नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। आज मुरादाबाद में राम गंगा घाट पर भंडारे का हुआ आयोजन। शनिवार को जिगर कॉलोनी स्थित राम गंगा घाट पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें, जिगर कॉलोनी के निकट नेट बाबा मंदिर शिव विहार कॉलोनी बांगला गांव राम घाट पर हर साल की भांति इस साल भी भंडारे का विशाल आयोजन किया गया। इस मौके पर मंडल उपाध्यक्ष सोमपाल सिंह प्रजापति ने बताया कि इस भंडारे का आयोजन नाव चलाने वालों की ओर से हर साल किया जाता है। गंगा माँ की इच्छा से हम लोग भंडारा कराते हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ पुल पार करके भंडारा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस अवसर पर रामकिशोर, अजय पाल सैनी, खेमा सिंह सैनी आदि भारी संख्या में भंडारा आयोजित करने वाले कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जाना चाहेंगे सर, क्या कार्यक्रम रहा आज? यहाँ पे भंडारा चल रहा है। ये हर वर्ष के भांति हमारे नाव वाले रामकिशोर जी, इनकी तरफ से एक भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो हमारा शिव विहार कॉलोनी बगला गांव राम गंगा तट पे बसा हुआ माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जितने आने जाने वाले हमारे यहाँ के निवासी हैं, इस गांव से उस गांव जाते हैं, उस गांव से उस गांव जाते हैं, माँ गंगा अपना आशीर्वाद हम सब पे, हमारे पूरे परिवार पे और हमारी पूरे कॉलोनी वासियों पे और हमारे नाव पर अपना बनाए रखें, ये हम गंगा माँ से प्रार्थना करते हैं। सर, ये हर साल कार्यक्रम होता है जी, और कितने लोग लगभग आए हैं इस समय? सुबह 11 बजे चालू हुआ था और अभी जब तक माँ गंगा का आशीर्वाद है और जब तक माँ गंगा की इच्छा है, जब तक ये भंडारा चलता रहेगा माँ भगवती के आशीर्वाद से, सुबह से लगभग मैं मानता हूँ हजारों की संख्या में लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और आगे माँ गंगा जब तक चाहेंगी जब तक ये चलता रहेगा।